बात करते हैं मुस्लिम वोटर की। यूपी में जब भी कोई चुनाव होता है तो मुस्लिम वोटर की चर्चा जरूर होती है। इन्हें रिझाने के लिए हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाती है, नए नए दांव चले जाते हैं। आज मैं बीजेपी की वो रणनीति आपको बताने वाला हूं जो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बनाई जा रही है। आज लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लगातार तीसरे दिन यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया और आने वाले दिनों में आपको यूपी की सड़कों पर ऐसे बैनर और पोस्टर दिखने वाले हैं जो कुछ लोगों को पसंद भी आएंगे और कुछ लोगों को चौंका भी देंगे। इन पोस्टर और बैनर्स की अगर बात करें तो इसमें क्या बात होगी वो मैं आपको बताता हूं। एक बैनर ऐसा होगा जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर के साथ एक खास कार्यक्रम का जिक्र होगा। इस कार्यक्रम का नाम होगा शुक्रिया मोदी भाईजान। इसी नाम से यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यक्रम करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं से मुस्लिमों को भी उतनी मदद मिल रही है जितनी बाकी धर्म के लोगों को। खास बात यह होगी कि हर सीट पर होने वाले कार्यक्रम में 1000 मुस्लिम महिलाओं को भी बुलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए एक खास टैगलाइन भी तैयार है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। यानी एक तरह से कहा जाए तो यह सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे को जोड़ने वाली नई लाइन है। जानकारी बेहद दिलचस्प है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पसमांदा मुस्लिमों को लेकर रणनीति बनाई थी लेकिन पार्टी को उतना फायदा उससे नहीं मिला जितने की उसको उम्मीद थी। रामपुर की स्वार सीट पर एनडीए का इकलौता मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव हार गया। मुस्लिम वोटों का बड़ा धड़ा पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। यही वजह है कि अब बीजेपी ने अपनी रणनीति को बड़ा आकार दिया है। सीएसडीएस के लोकनीति की सर्वे की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 10% मुस्लिमों ने बीजेपी का साथ दिया लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 8% मुस्लिम ही बीजेपी के साथ खड़े रहे। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की कुछ सीटें कम हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 7% मुस्लिम वोटर ही बीजेपी के साथ थे, यानी बीजेपी को जैसी उम्मीद थी वैसा हो नहीं पाया। बीजेपी जानती है कि यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर सियासी तौर पर बड़ा मजबूत है। 21 लोकसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम समाज की आबादी 30% से ज्यादा है। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और रुहेलखंड की कुछ सीटों पर ये खासे असरदार भी होते हैं और इन्हीं को लेकर बीजेपी ने ये नया प्लान तैयार किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।